विधवा महिला कमलाबाई ने कोटा शहर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कमलाबाई पीड़ित महिला ने एसपी डॉक्टर विकास पाठक को फरियाद दी है कि प्रेम नगर सेकंड चौथ माता मंदिर के पास उसका मकान है, जिस पर पड़ोसी ने उसकी गैर मौजूदगी में कब्जा कर लिया है, जो मकान के आसपास निर्माण भी करवा रहा है। पीड़िता विधवा महिला ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पीड़ित महिला कमलाबाई ने बताया कि जिस मकान में वह रहती है उस वह मकान उसके पिता ने उसे दिया था। मैं ना शादी में गई हुई थी, जब शादी में से आई तो मैं उन्होंने मकान में ना काम चालू कर रखा टुकड़ी भरा के। मैंने बोला भैया ये क्या कर रहे हो, कि मेरा है मैंने लिया है। मैंने कहा किससे लिया उसको बुलवाओ, कि ये तुम बुलवाओ। मैंने कहा मैं किसको बुलवाऊँ, मेरे को पता ही नहीं किससे लाया तूने किससे नहीं लिया, कि तेरे को जमा है जो कर ले, और तेरे ये मीटर है इसमें से भी हटा लिया। मैंने कहा हटा लिया, तुमने लाइट कट कर रखी थी तो मैं तो हटाऊंगी, मेरा नल उसके अंदर ही है। फिर उसने बोला तुम्हारे जमे जो करो। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पे कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे आके रिपोर्ट